बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल नगीनास किचन में। आज हमने बनाया है चिकन पुलाव। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो चलिए देख लेते हैं चिकन पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक खुले मुँह के बर्तन में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 1 कप। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको रफली सा चॉप कर लिया है, मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका, मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। इसमें प्याज को ब्राउन कर लिया है, अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, 3 अदद हरी मिर्चें, इनको मिक्सर से डो कर लिया है। चिकन का मैं बताना भूल गई, चिकन 2 केजी है। इन सब चीज़ों को मिला लिया है अच्छी तरह से। अब इसका ढक्कन बंद करके रखेंगे 10 मिनट के लिए मीडियम हीट के ऊपर, ताकि चिकन अपना पानी रिलीज़ कर सके। चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो गए हैं। एक बार मैंने मिक्स किया था बीच में, ये देखें चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया है। तो अब ये पानी भी ड्राई कर लेंगे और चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे इसी मसाले में। 10 से 12 मिनट लगेंगे चिकन को भुनने में। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते रहेंगे और चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। चिकन की भुनाई कर लिया अच्छी तरह से। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें खड़े मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं किए, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो अब इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी को मैंने उबाल लिया है केटल में। तो ये वाला मग जो है मैंने मेजर किया था चावलों का, चावल लिए हैं मैंने 2 मग और इस हिसाब से पानी मैं ऐड करूँगी 3 मग। ये 3 मग हो गए पानी के। पानी हम 3 मग डाल रहे हैं क्योंकि चावलों को हमने भिगो कर रखा हुआ है 1 घंटे से, अच्छी तरह से धो कर चावल। तो अब इसका ढक्कन बंद करके मज़ीद इसको पका लेंगे 7 मिनट के लिए। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, तो अब इसमें ऐड कर देंगे चावल। चावलों को हमने अच्छी तरह से धो कर भिगो कर 1 घंटे के लिए रखा हुआ था। तो चावलों को तब तक धोना चाहिए जब तक इनका साफ पानी निकलना नहीं स्टार्ट हो जाता। मिक्स कर लेंगे। अब इसका ढक्कन बंद करके रखेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि पानी जो है सारा चावलों के अंदर चला जाए। चेक कर लेते हैं, ये देखें पानी जो है वो सारा चावलों के अंदर चला गया है। तो अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया है इनमें, अब इनको दम लगा देंगे। बिल्कुल लो हीट के ऊपर रखेंगे इसको 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, तो अब चेक कर लेते हैं। ये देखें जनाब, हमारा चिकन पुलाव बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है गरम मसाले की और हरी मिर्चों की। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह बड़े खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। तो लीजिए जनाब, हमारी आज की डिश रेडी है। चिकन पुलाव बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें
मिलते हैं किसी नई डिश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।